दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 5 को। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि ये लॉग आउट करने की कोशिश करने में लगा था लेकिन लॉग आउट नहीं कर पाता। ये देखकर वो दीवार की जो छुप जाता है और शौक होता है और कहने लगता है, आखिरकार मेरे साथ ये सब चल क्या रहा है, ये सब क्या हो रहा है। और अपनी प्लेयर विंडो को खोलता है और उसे कहने लगता है कि इस विलेज में ऑलरेडी न्यू प्लेयर्स आ चुके हैं और इस गेम में भी प्लेयर्स घुस चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस गेम से लॉग आउट क्यों नहीं कर सकता। क्यों हे गेम सिस्टम, मुझे जल्दी बताओ मैं लॉग आउट क्यों नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि सोर्ड आर्ट ऑनलाइन में जिस तरीके से क्रिएटो गेम में फंस गया था उसी तरीके से मैं भी इस गेम में अकेला फंस चुका हूँ और मैं रियल लाइफ में मौजूद ही नहीं हूँ इस वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सच में इस गेम में मौजूद हूँ। और तभी वो अपना सर घुमाता है और अपने आप को शांत करते हुए कहने लगता है, शांत हो जा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और कहने लगता है कि सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है, अगर यहाँ पर किसी भी तरह का डिफेक्ट होगा तो इसको जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा क्योंकि इसे एक बग के तौर पर देखा जाएगा बाद में। जिससे पहले कि मैं बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढूं उससे पहले मुझे प्लेयर से मिलना होगा और उनसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रेपुटेशन और लेवल बढ़ाना होगा अपना, और प्लेयर्स के बीच में जो मेरी क्रेडिटबिलिटी है उसे भी बढ़ाना होगा। जितनी ज़्यादा मैं तैयारी कर सकता हूँ उतना ही मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं वो और ज़्यादा सरदर्द से किसी कम नहीं है, और इस गेम के जितने भी NPCs है वो सभी के सभी यूनिक लोग हैं, बस एक्सपर्ट टास्क को छोड़कर। और बाकी की जो स्टोरी लाइन्स है वह सभी की सभी स्टोरी लाइन्स किसी न किसी प्रकार के इवेंट को ट्रिगर करती हैं, और अगर किसी टेक उस टास्क को कंप्लीट कर लिया या फिर कोई NPC मारा गया धोखे से तो वहाँ पर एक नया NPC आ जाएगा तो मैं नया टास्क देने के लिए। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सारे के सारे टास्क यहाँ से जल्द कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिससे पहले कि इस गेम प्ले को सारे के जो प्लेयर्स एंटर किए हैं वो यहाँ पर मेरे गेम प्ले को इंटरफेयर करें। अब जबकि इन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है गेम को स्टार्ट किए हुए, जो सोनिया की जो अभी भी शॉप है वो अभी भी ओपन नहीं हुई होगी, तो मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा, वहाँ पर सबसे पहले जाना चाहिए मुझे। और वह भागना चालू कर लेता है तभी वह सोनिया की शॉप तक पहुँच जाता है। तभी वह जा ही रहा होता है अंदर, तभी सामने उसके कोई आ जाता है और उसे रोक लेता है और कहने लगता है, तुम वहीं पर रुक जाओ। और तभी हमें पता चलता है कि वो 3 नमूने यहाँ पर आ चुके हैं, बेलन लेके, वो भी और कुछ नहीं, बेलन लेके। भाई साहब क्या वेपन है यार, कहते चूते लग रहा है, सॉरी गाइस, एक नमूने लग रहा है नमूने। तभी उनसे कहने लगता है, तुम आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, और यहाँ पर किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा ताकि तुम अपने आपको यहाँ पर बेटर बना सको। तभी वो तीनों के तीनों से घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं, तुम कमीने, तुम एक नंबर के क्रेजी बंदे हो, असली वर्ल्ड में तो किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमसे पंगा ले। तभी जो जिया होता है वो स्टिक को देखता है विलन को और उससे कहने लगता है, क्या तुमने ये स्टिक बेकरी से खरीदी है क्या, तो उसने तुमसे ये भी कहा होगा कि उस बंदी ने, उस लड़की ने इस स्टिक से काफ़ी मॉन्स्टर को मारा है। तभी ये बात सुनने के बाद वो बंदा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तभी जिया उसे बताने लगता है कि जो भी प्लेयर इस गेम में एंटर करता है उसे की जो इनिशियल जो स्टार्टिंग की इनकम होती है वो 50 कॉइन दी जाती है ताकि वो यहाँ पर घर को रेंट कर सकें, और प्राइवेट हाउस में रहने के लिए तुम्हें 3 गुना पैसे देने पड़ेंगे जंगल के मुकाबले में, और ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर मैंने तुम्हें बचाया था मिस सीनिया के घर पर, वो 14 लेवल की स्वॉर्डमैन है, अगर तुमने उस वक्त उसे गुस्सा दिलाया होता तो मैं पता है ना कि तुम्हारे साथ उस वक्त क्या हुआ होता, और अगर तुम उसका कर्ज चुकाना चाहते हुए भी तुम्हें उसके लिए घर पर दिन और रात जाकर मेहनत करनी पड़ती। ये बात सुनने के बाद वो घबराने लगता है बंदर, उससे कहने लगता है, गुस्सा आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वह तो बस एक NPC है। तभी जिया उसके पास आता है, उसके वेपन को अपनी उंगली से पीछे करता है और उससे कहने लगता है, NPC तुम्हें क्या लगता है क्या है NPC, तुम्हें इस गेम को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर जितने भी नॉर्मल NPCs है ना मुझे लगता है कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे ये फालतू की बेलन खरीदने के लिए बनाकर। ये बात सुनने के बाद तीनों के तीनों मुंह कहते बंद हो जाता है, और जब वो देखते हैं तो वो सच में एक बेलन, भाई साहब क्या क्या, क्या बेवकूफ़ भाई नॉर्मल भाई, अब क्या ही बोलूँ यार, बोलना ही कम पड़ रहा है सब दिन नमूनों को लेकर। और वो उस बेलन को वहीं पर जोड़ के ऊपर फेंक देता है, जिसको देखते हुए जिया उससे चिल्लाते हुए कहता है, वाह ये तो 30 कॉपर की प्राइस थी भाई, तुम्हें पता भी कितना महंगा है वो बेलन और तुमने बस ऐसे ही फेंक दिया। तो ये बात सुनने के बाद वो प्लेयर होता है, उसे लगता है, हे फ्रेंड मुझे माफ़ कर देना, जो सब कुछ समय पहले मैं तुम्हें कुछ गलत फहमी होगी तुम्हारे लिए, तो मैं दोबारा तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा जो नाम है वो कोंग त्याओ है, और ये साहब जी दोनों के दोनों मेरे फ्रेंड है, और एक का नाम लियांग येन है और दूसरा का नाम बेलान, हमें माफ़ कर देना जो हम बच्चों की तरह हरकत करने में लगे होते इससे पहले, क्योंकि हमें इस गेम के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हुई है। और तभी वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है, और जिया उसको देखते हुए कह लगता है, वाओ मैं तो जहाँ पर फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा जल्दी बना लिए। और जब इसके फ्रेंड लिस्ट देखता है तो वो कहते हैं शॉक हो जाता है, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, और तभी अचानक से ये देखने के बाद कहते हैं अपने घुटनों पर बैठ जाता है और खुश हो जाता है, और मन में सोचते चिल्लाते हो तो खुशी के मारे बौखला जाता है और कहने लगता है, आखिरकार मैं इस गेम के अंदर फ्रेंड के तौर पर किसी को जोड़ सकता हूँ, और इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी यहाँ का एक प्लेयर हूँ नॉर्मल, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, मैं किसी भी प्रकार की बग नहीं हूँ, मुझे इस गेम को खेलते खेलते हज़ारों साल हो चुकी हैं, और आखिरकार एक ऑफिशियली प्लेयर यहाँ पर आ चुका है, और जब ये गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है तो अब नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये और ज़्यादा एडवांस हो चुका है।
लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैंने इस तरह का इंटरफेस पहले कभी भी नहीं देखा, ऐसा क्यों? चलो भूल जाओ, ये चीज जो पैनल है वो मेरी काफी ज्यादा मदद करेगा आगे चलकर। तभी बंदा उससे पूछ लगता है, फ्रेंड तुम मुझे बता कर तुम्हारा लेवल क्या है। तभी बताता है मैं बस एक रेगुलर प्लेयर हूँ। और तीनों के तीनों एक दूसरे को घूमने लगते हैं और वो तीनों के तीनों अपने नाप बैग कॉपर बचे हुए होते हैं उसे सेंड कर देते हैं। ये देखकर जिया सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है उन तीनों के तीनों से, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या हुआ इससे? और वो उससे कहने लगती है, ये जो पैसे हम तुम्हें भेज रहे हैं वो तुम्हें तुमने हमें जो सावधान किया है उसके लिए, इससे बढ़िया हम किसी घर को रेंट करें, तो इससे बेटर हो कि हम ये तुम पर छोड़ दें, शायद वो और ज्यादा यूजफुल हो जाए तुम्हारे लिए। ये बात सुनने के बाद मतलब देखने के बाद वो मन में सोचता कहने लगता है, जिया ये जो बंदे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, अगर मेरे पास अर्ली स्टेज में इतने ज्यादा पैसे होंगे तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा टास्क को क्लियर करना, खैर मैं इसको ले लूंगा, आखिरकार मेरी प्रॉफिटेबल जो है। और वो ले लेता है उनके पैसों को। ये बात देखने के बाद तीनों के तीनों काफी खुश हो जाते हैं और वो तीनों के तीनों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहने लगता है और बताने लगता है कि जो मिस सेनिया है उन्होंने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन अभी उनके पास दूध की बहुत ज्यादा कमी है, तो यहाँ वेस्ट के मतलब विलेज के वेस्ट में वहाँ पर एक फार्मर की शॉप है, मतलब एक फार्मर है, वहाँ पर उसने अपनी शीप को खो दिया है। अब जब तुम उसकी मदद करोगे इसकी शीप को ढूंढने में तो वो तुम्हें कुछ मिल्क दे देगा। अगर तुम इन दो टास्क को कम्प्लीट कर लेते हो तो तुम मिस सेनिया से स्वॉर्ड स्किल सीख सकते हो, जिसे फोर्स न्यू के नाम से जानते हैं। और उनके मन में ख्याल आने लगता है, मिस सेनिया और वो सोच करके एकदम थड़की वाला एक्सप्रेशन बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं, वाह तुम्हें तो ये भी पता है कि इस गांव की जो मिस सेनिया है इस विलेज की, उसको दूध की शॉर्टेज है, तुम तो कतई कूल मन कहलाती है। कूल भाई साहब, हमारे ठरकी लौंडे भी ऐसे सोच रहे होंगे, कतई कूल कतई बवाल है, बचा दिया। और तभी जिया उससे कहने लगता है, तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुम इसके बारे में बाद में समझ जाओगे सब कुछ। और जिया अपने आप की तारीफ करता है अपने आप से और कहने लगता है, ये सब चीज़ें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मन में सोचते कहने लगता है कि इन लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया है कि मैं काफ़ी डिफरेंट हूँ इन लोगों से, अब जबकि मैं इन लोगों को अपना फ्रेंड बना सकता हूँ, तो मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ और प्राइवेट चैट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या अब इसके बाद में जो सोशल बटन है उसको सिस्टम बार पर एक्टिव कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं नए प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी टच पर हूँ। और तभी उसके सामने एक पैनल आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक सोशल सिस्टम ऑप्शन भी आता है। यहाँ पर बताया जाता है कि मुझे कम से कम 100 से भी ज़्यादा रीइंकार्नेशन है यहाँ पर, तो और मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं देखा, मतलब 170 बार जी चुका हूँ उस लाइफ को, लेकिन अभी तक मैंने ये सिस्टम ना देखा, पैनल भी ना देखा, और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका जो इफेक्ट है वो गेम में क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर सोशल सिस्टम सेटिंग आ जाती है, मैसेज पॉपअप रिमाइंडर अलाउ फॉरन फ्रेंड्स टू ऐड, और इसको टिक कर देता है। और वो उसको देखते कहने लगता है, ये बात तो सही है कि यहाँ पर कुछ इंट्स दी गई है मैप में जो कि काफ़ी ब्लर है एरिया, तो मुझे ज़्यादा इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो। और सारे की सारी तैयारी कर लेता है और बोलता है, अब मेरे पास पैसे भी काफ़ी हैं। और वो एक पत्थर उठाता है और कहने लगता है, अब समय आ चुका है कि मैं एक शॉर्टकट ले लूँ, और एक पत्थर उठाकर एक घर में फेंक देता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं अपने टास्क की जो रफ्तार है वो थोड़ी और बढ़ा दूँ, और एक कांच को तोड़ देता है। और वो जो पत्थर होता है वो एक बार के अंदर चला जाता है। ये देखने के बाद बार का ओनर कभी गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है, किसमें इतनी हिम्मत हुई, और बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाहर आने लगता है उसका ओनर। और तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सोनिया है, और सोनिया एक सेवेज बीस्ट है, इसे सेवेज सोनिया के नाम से जाना जाता है, तो ह्यूमन ही लेकिन कहते हैं सिक्स पैक वाली। और गुब्बारे ठीक है यार, तो चेस्ट की तरह लग रहा है नॉर्मल लॉन्डो की तरह, लेकिन है तो एकदम बॉडी बिल्डर। और कभी गुस्से में बाहर आती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है, अगर किसकी हिम्मत हुई मुझ पर अटैक करने की। और उसकी जो जॉब है वो बाहर सर का है और इस विलेज में सेकंड नंबर पर आती है सबसे ताकतवर में, जो कि सेनिया से फाइट कर सकती है अकेली ये सोनिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे ऐड कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सीनरा साइनिंग आउट।